हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल और तरीके से गुलाब जामुन, जो कि मिल्क पाउडर से बनाएंगे और इसका टेस्ट भी बिल्कुल हलवाई जैसा आएगा। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे मिल्क पाउडर। तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप मिल्क पाउडर लिया है। हम यहाँ पर डेरी वाइटनर या फिर नॉर्मल मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने जितना मिल्क पाउडर लिया था उतना ही हम दूध लेंगे, और ये हल्का गुनगुना दूध है जिससे कि मिल्क पाउडर को मिक्स करने में इजी हो। अब हम मिल्क पाउडर को इसमें मिक्स कर लेंगे और 2 चम्मच के करीब घी लेंगे। दूध और मिल्क पाउडर को हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और गैस को हमने ऑफ ही रखा है। जब दूध और मिल्क पाउडर एक बार अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम गैस को ऑन करेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद अब हम गैस को ऑन कर देंगे और कम आंच में इसे अच्छे से पका लेंगे। पूरा खोआ जैसा स्ट्रक्चर इसका आ जाना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं ये बहुत थिक हो चुका है। अभी हमें इसे लगातार चलाते रहेंगे वरना ये नीचे से जल सकता है, तो इसलिए हमें इसे लगातार चलाते रहना है जब तक कि ये थोड़ा सा थिक ना हो जाए, बिल्कुल खोआ जैसा स्ट्रक्चर ना आ जाए इसका। अभी इसे चलाते हुए लगभग 20 से 25 मिनट हो चुका है। हमने कम आंच में इसे पकाकर तैयार कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं कि ये पैन भी अच्छे से छोड़ रहा है। हमने बहुत ही इजी तरीके से घर में खोआ बनाकर तैयार कर लिया है। इसे चेक करने के लिए थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसे हाथों में इस तरह से रोल करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये हाथ में ना चिपक रहा है, तो इसका मतलब कि ये मिक्सचर बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कि हाथों में नहीं चिपक रहा है, इसका मतलब ये बनकर तैयार है। और ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, तो अब इसे हम ठंडा करने के लिए एक बर्तन में निकाल लेंगे। मिल्क पाउडर से हमने जो खोआ बनाया था अभी ये पूरा ठंडा हो चुका है। अब इसमें मैदा ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच के करीब मैदा ऐड करूँगी जिससे कि गुलाब जामुन में अच्छा बाइंडिंग बना रहे। मैदे की जगह कॉर्नफ्लोर या फिर सूजी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच मैदा लिया है। अब मैदे को इसमें अच्छे से गूंथ लेंगे। इसी के साथ ही इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर मिलाएंगे। गुलाब जामुन को सॉफ्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर यूज़ करूँगी। अगर आप बेकिंग सोडा यूज़ कर रहे हो तो इससे भी थोड़ा सा बेकिंग सोडा यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम का 2 चुटकी बेकिंग सोडा यूज़ करूँगी, और इसे एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे 1 चम्मच दूध डालेंगे। अब इसे अच्छे से मसल लेंगे। हमें सभी चीज़ों को अच्छे से सॉफ्ट होने तक अच्छे से मसल लेना है। अब हम इसे अच्छे से मसल कर सॉफ्ट कर लेंगे। ये थोड़ा सा स्टिकी है, तो आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा घी का भी यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हाथों में ज़्यादा ना चिपके। और इसे मसलने में लगभग 10 से 15 मिनट का समय लगता है। आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से मसल लिया है। अगर आपका डो थोड़ा सा स्टिकी है या फिर हार्ड है तो आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा दूध यूज़ कर सकते हैं, और थोड़ा सा अगर आपको डो गीला लग रहा है तो आप इसमें और थोड़ा सा मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये डो बहुत ही सॉफ्ट बना है। इसी तरह का हमें गुलाब जामुन के लिए डो चाहिए। अब इसे हम कुछ देर के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। मैंने इसे 10 मिनट के लिए इस तरह से छोड़ दिया था।
अब इसे एक बार फिर से थोड़ा सा मसल लेंगे और इसके गोले तैयार कर लेंगे। तो आपको गुलाब जामुन के जैसे पेड़े चाहिए उसी तरह के पेड़े हम तैयार कर लेंगे। हम जो गोला तैयार करेंगे इसे अच्छे से राउंड शेप देते हुए तैयार कर लेंगे। अगर आपके गोले में थोड़ा सा भी क्रैक रहे तो आप इसे फिर से अच्छे से गोला तैयार कर लीजिए, वरना ये तेल में जाते ही फट जाएंगे। आप देख सकते हैं एक गोला मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरह से सारे पेड़े के बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। गुलाब जामुन के लिए सारे बॉल्स बनकर तैयार हैं। अब हम चाशनी भी तैयार कर लेंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप चीनी लिया है। अब हम उतना ही पानी डाल लेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कम आंच में इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे। हम इसकी जो चाशनी तैयार करेंगे, हमें इसकी कोई भी तार वाली चाशनी तैयार नहीं करनी है। चाशनी में जैसे ही उबाल आ जाए हम गैस को ऑफ कर देंगे। दूसरी तरफ हमने नॉर्मल टेम्परेचर में ऑयल को भी गर्म कर लिया है। अब इसमें गुलाब जामुन के बॉल्स को डाल लेंगे। याद रहे कि गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए हमको ऑयल थोड़ा सा गर्म रखना है, ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, वरना गुलाब जामुन जाते ही इसमें हार्ड हो जाएंगे बॉल। गुलाब जामुन ऑयल में जाते ही थोड़े से साइज़ में बड़े हो जाएंगे। अब हम इसे लो टू मीडियम में फ्राई करेंगे। दूसरी तरफ हमने चाशनी को भी लो मीडियम में रखा है। अब इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करेंगे और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी जो तले में बैठी हुई है उसे अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम गुलाब जामुन के बॉल्स को एक बार अच्छे से चारों तरफ से हिला देंगे ताकि ये बॉल्स अच्छे से चारों तरफ से फ्राई हो जाए। गुलाब जामुन को फ्राई करते हुए मुझे 15 से 20 मिनट हो चुका है और इसे चारों तरफ हिलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे, वरना ये एक तरफ से कच्चा रह जाएगा। वरना अभी आप देख सकते हैं कि गुलाब जामुन का ये कलर परफेक्ट है। अगर आप काला जामुन बनाना चाहते हैं तो इसे और थोड़ा सा ब्लैक करेंगे। अभी यहाँ पे गुलाब जामुन फ्राई हो चुके हैं, अब इसे निकाल लेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि हमने जो चाशनी बनाई थी वो भी तैयार हो चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा गुलाब जल ऐड करेंगे। चाशनी आपकी बनी है कि नहीं उसे चेक करने के लिए आप थोड़ा सा चाशनी हाथ में लीजिए, आपको तेल जैसा लगेगा, इसका मतलब कि चाशनी तैयार है। अब इसमें
फ्राई करके रखे हुए गुलाब जामुन को इसमें ऐड करेंगे। हमने इसमें थोड़ा सा गुलाब जल ऐड किया है। अगर आप चाहें तो इसमें इलायची या फिर केसर भी ऐड कर सकते हैं। गुलाब जल से इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। अब हम इसे ढककर लगभग 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि गुलाब जामुन अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब ना कर सके। मैंने यहाँ पे 2 घंटे से भी ज़्यादा गुलाब जामुन को चाशनी में छोड़ के रखा था और इसे एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। आप देख सकते हैं कि दिखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। आप देख सकते हैं अंदर से भी कितने सॉफ्ट बने हैं। गुलाब जामुन चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब की हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। थैंक यू।